প্রজ্ঞা ভবনে বুধবার স্কুল অফ লজিস্টিক এবং জলপথের সূচনার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। জলপথের মাধ্যমে রাজ্যের বিকাশকে আরও গতি দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পে। বিজেপি সরকারের চেষ্টায় ত্রিপুরা রাজ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন পরিচয় নিয়ে উঠে এসেছে বলে বক্তব্যে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई नई प्रोग्राम दिए गए हैं, जैसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और साथ साथ में आज स्कूल्स ऑफ लॉजिस्टिक, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। क्योंकि ये जो 21 शादी, ये प्रतियोगिता से भरी हुई शादी है। इनमें हमको अलग अलग विश्व देशों का साथ प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और अपना जो शक्ति दिखाना होगा, काबिलियत को दिखाना होगा। तो इसी चीजों को हासिल करने के लिए आज अलग अलग प्रदेश का साथ त्रिपुरा भी आगे आने में उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है और भारत सरकार की तरफ से मोदी जी की आशीर्वाद, उनकी दिए हुए निर्देश के मुताबिक हमारी पोर्ट सिटी वाटरवेज मंत्रालय की तरफ से भी ये जो इंस्टीट्यूशन यहाँ खड़ा की गए है, मुझे लगता है कि नई पीढ़ियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টায় রেলপথ এবং বিমানপথের উন্নতির পাশাপাশি জলপথের ব্যবহারের সার্বিক চেষ্টায় রাজ্যের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের দিকে জোরালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা জানান। এয়ারপোর্ট হে সাপোজ টু বি দা বেস্ট ওয়ান ইন নর্থ ইস্ট, ইভেন বহুত সারে প্রদেশ সে ভি বহুত আচ্ছা হ্যায়। অর ইস তরহ হামারা জো আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন হ্যায়, ইয়ে ভি এ বেস্ট কেন্টার বন গিয়া, হাম কাবি সোচ নাহি সকতে থে। तो ये भी जो मुझे कहा गया है, ये पूरा इंडिया में बहुत ही सुंदर खूबसूरत एक रेलवे स्टेशन बनने वाला है। त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है, आपको नहीं लगता है क्या? तो त्रिपुरा आगे बढ़ रहा है, तो हर चीज में आगे बढ़ने वाला जो सामने इंजन, और इंजन का ड्राइवर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम लोग तो उनके साथ साथ चल रहे हैं, हम लोग भी डबल इंजन कहते हैं। तो इस हिसाब से पूरा नॉर्थ ईस्ट का चेहरा ही बदल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वाटरवेज अगर हो गया, तीन चीज तो हो गया, तो सस्ता हो जाएगा, कम्युनिकेशन में टाइम कम लगेगा, और सभी कोई भी कम्युनिकेशन हो उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। রাজ্যের জলপথ ব্যবহার করে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় বিশেষ প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে রূপায়িত হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ। ফিরে রিপোর্ট, আর এ নিউজ।